और बजट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का भी बयान आया है, कहा है कि बजट में सभी सेक्टर्स को फायदा होगा। ये बड़ी बात पंकज चौधरी ने बताई, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसी बीच में आज आम बजट पेश होगा। बड़ी उम्मीदें लोगों ने इस बजट से लगा रखी हैं और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, कहा बजट में सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा सब कुछ सामने। सरकार ने कहा था कि इनकम डबल, इन सभी सेक्टरों को सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी पीयूष दे रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। पीयूष, वित्त मंत्री की तस्वीरें इस वक्त हमने देखी, जरा पूरा स्केड्यूल बताइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज क्या रहने वाला है, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को आज पेश होने वाले आम बजट से। जी बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण अभी पहुंच गई हैं मिनिस्ट्री और वो अपने 5 सचिवों से मिलेंगी और इसके अलावा जो बजट बनाया है जिस टीम ने उससे मिलेंगी। उसके बाद यहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां पर एक औपचारिक अनुमति लेती हैं राष्ट्रपति से कि आज सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। और ये वित्त मंत्री का 4th बजट है, इससे पहले उन्होंने 3 बजट पेश किए थे, 2 कोरोना काल में बजट हो गए, ये दूसरा बजट है जो कोरोना काल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में सरकार ने अपने बजट के जरिए बहुत ज़्यादा वर्गों को संभाला है और इकोनॉमी को भी एक संबल प्रदान किया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से होने के बाद पहुंचेंगी पार्लियामेंट, वहां पर कैबिनेट के साथ बैठक करेंगी और उस बैठक के बाद वो बजट पेश करने के लिए लोकसभा में प्रवेश करेंगी और वहां पर अपना बजट पेश करेंगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के संकेत उससे पहले मिले, वित्त राज्य मंत्री का जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, लोगों के लिए बढ़िया चीज इस बजट से निकल कर आएगी, और जिस तरह के संकेत है और चुनावी मौसम है पीयूष, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि आज सरप्राइजेस की झड़ी लगने वाली है शायद जब बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए और कोरोना काल में जो गतिविधियां परिवर्तित हुई उनको ध्यान में रखते हुए सरकार आम आदमी का जरूर ख्याल रखेगी। ये माना जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 या 80,000 किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स लैब में भी मामूली परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं जो 2022 में बंद की जाने वाली थी उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में ये जो क्षति पहुंची है अर्थव्यवस्था को उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि उन योजनाओं को जारी रखा जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। और जाहिर बात है अभी की स्थिति को देखते हुए बड़े ऐलान भी संभव माने जा रहे हैं कि इस बजट में जिनका ऐलान किया जाएगा। इस पर आप नजर पीयूष बनाए रखिएगा, डिटेल्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।